नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने महागठबंधन की हो रही रैली को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महागठबंधन की रैली होने जा रही है, जो पांच दल एक महीना पहले से ही जाकर पूर्णिया में बैठी हुई है। वहीं अमित शाह के आने पर भी कहा कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं और हम अकेले रैली करते हैं, हमें भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। वही मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि महागठबंधन की हो रही रैली से 2024 पर इसका क्या असर पड़ेगा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दो चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, विपक्षी दल मिलकर लड़े थे, लेकिन क्या हुआ नतीजा सबको मालूम है। इसी के बीच मीडिया ने एक और सवाल डाल दिया कि विपक्षी लगातार कह रही है कि इस बार 2024 में भाजपा 100 में ही सिमट के रह जाएगी। इस पर भी विवेक ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा है कि ये क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, 2024 में क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, दो चुनाव पहले भी वो लोग लड़ चुके हैं। 2014 और 2019 की बात याद दिलाते हुए नजर आए हैं विवेक ठाकुर। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दोनों विपक्षी एकजुट होकर लड़े थे, लेकिन परिणाम क्या आया ये सबको मालूम है। इसके आगे और क्या कुछ कह रहे हैं विवेक ठाकुर, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। अभी चार है, कैसे देखते हैं कार्यक्रम? विपक्ष कह रही है कि अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी वाले लोग डरे हुए हैं, इसलिए अमित शाह आ रहे हैं। बीजेपी डरे हुई है? हाँ। आप अकेला अकेला एक रैली करें, हम तो अकेले ही करते हैं। ये तो पांच दल जाके वहाँ पे पूर्णिया में बैठे हुए हैं महीना भर से लोग। जिस दिन से ये कार्यक्रम की घोषणा हुई है आगमन की, तब उनका पूर्णिया कर रैली, तो डरा कौन है आप बताइए। शंखनाथ जो महागठबंधन करने जा रही है, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा? आप देखिए, आपको याद करना पड़ेगा दो चुनाव, 2014 का लोकसभा, 2019 का। दो भारी भारी शंखनाद हुआ था कलकत्ता के परेड ग्राउंड में। देश का कोई विरोधी दल का नेता नहीं था जो कि वहां पर उपस्थित नहीं था, यहां वाले लोग भी गए थे दोनों में। परिणाम क्या हुआ वो आपको सामने ही है। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि पीएम के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, उनका काम है, जनता के दृष्टिकोण से राजनीतिक लायबिलिटी। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 100 सीट के नीचे सिमटा देंगे इस बार बीजेपी को। भाजपा को 100 सीटों के नीचे सिमटाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं रणनीति बन रही है तो इससे लॉस होगा, क्योंकि सारे दल जो है एक साथ और आप लोग जो है अकेला। क्या बोले और ऐसा सिस्टम, हम क्या बोले आपको, 14 और 19 में कलकत्ता के परेड ग्राउंड में पूरे देश के विपक्ष के नेता जुटे, परिणाम क्या हुआ आपको पता है। नेता वोट नहीं ना करता है, वोट जनता करती है, जनता चुनती है नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, वही होगा फिर। लेकिन अब करिएगा क्या, अब जितना सोच सकते हैं उतना ही ना बोलेंगे, और तो वही पूरे बिहार के सरकार का हाल है, इसलिए राज जो है पूरी तरह से एकदम छितराया हुआ राज हो गया। कार्रवाई नहीं करनी चाहिए नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार से पूछिए क्या कहना है उनका सेना के बारे में, उनकी राय क्या है, उनके मंत्री तो ऐसा बोल रहे हैं, उनके जितने सहयोगी दल हैं उनके सबके मुखिया से पूछिए राय क्या है, ये भी तो उनसे पूछिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तभी तो सो जाके आज सेना का मनोबल जो इतना उठा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए लोग ये है क्योंकि पूर्व का जो इतिहास है वो तो क्या था, बॉर्डर पे आया राम गया राम की स्थिति रहती थी, चाहे वो चीन का फौज आया आज कैंप लगाया लद्दाख में, डेढ़ महीना रहा फिर उठ के चला गया, तो जग जाहिर है प्रमाणिक चीज है, आपको सब चीज है। मतलब आपका कहना है कि पहले से सेना मजबूत हुई है इसलिए लोग सशक्त भारत। सवाल है, इस वर्ड का उपयोग सुरेंद्र यादव ने किया है निश्चित तौर पर, उस वर्ड को लेकर के खड़ा प्रतिवाद हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का अनाप शनाप बयान राजद के नेता लगातार क्यों दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, नेता दे रहे हैं? ये तो तेजस्वी जी से पूछे ना कि क्या उनका जो है अपने पार्टी पे नियंत्रण बचा है नहीं बचा है, उनकी राय क्या है सेना, उनके सहमति से दे रहे क्या। क्योंकि देखिए, ऐसे ही कुछ दिन पहले एक रामचरितमानस लेके उनके शिक्षा मंत्री शुरू किए, किसी ने नकारा नहीं उनके यहाँ से, तो सहमति थी। फिर यहाँ से उनके संबंधी का जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के एक मंत्री उठाए तो कहीं सहमति थी। तो एक चीज़ तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि रामचरितमानस के बारे में उनकी इन लोगों की राय क्या है। अब आप पूछिए उनसे आज की सेना के प्रति उनकी भी भावना यही है, राय वैसी ही है, तब पता चल जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा वाले लोग जिस तरह से मनोबल गिरा रहे थे तो ये भी उसी तरह से संलिप्त होके जो देखते हैं भारत की सेना को, जनता माफ नहीं करेगी।